दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 27 अक्टूबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है रात के 8:53 हो चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ मटियाला रोड द्वारका सेक्टर 3 उत्तम नगर वाली साइड से आ रहा हूँ, तो सेक्टर 3 घर के पास की लोकेशन में हूँ। मतलब अभी लास्ट ड्रॉप मैंने किया था, ये ड्रॉप मैंने किया था धौलकुआ साइड। दोस्तों अब धौलकुआ साइड आपको पता ही है, जो जहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, बस स्टैंड है, उसके अपोजिट साइड पे मैंने ड्रॉप था, पिकअप मैंने लिया था गुड़गांव साइड से। तो गुड़गांव और आपका राजीव चौक सोनर रोड की तरफ से ये पिकअप था और लोकेशन डाली थी द्वारका साइड की, तो द्वारका की तो मिली नहीं, डायरेक्ट ये धौलकुआ की मिल गई थी। तो धौलकुआ इनको ड्रॉप किया मैंने, इनको ड्रॉप करने से पहले मेरे पास बुकिंग आ रही थी काफी दूर दूर से, वो मैंने ले ली नहीं। फिर इनको ड्रॉप करते ही मेरे पास आ गई थी मतलब राजापुरी साइड की, बट क्या है कि जिनको जाना था वो खड़े थे अपोजिट साइड मेट्रो पे। तो मेट्रो पे जाने का पूरा सर्कल पूरा जाम पड़ा हुआ था, 12-13 मिनट बता रहा था। मैंने उनको बोला भी इतने टाइम बता रहा है, तो मतलब उत्तम नगर साइड की ही बुकिंग थी, तो उन्होंने कहा रहने दो मैं कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है कैंसिल कर दो। फिर वहां से मैंने डिवाइस को कर दिया बंद दोस्तों, क्योंकि वो ऐसी लोकेशन थी कि जहां से बुकिंग आती तो कोई इतना वेट नहीं करता, ट्रैफिक जाम में अलग फंसता। तो मैं वहां से लेफ्ट लेके टूवर्ड्स मायापुरी वाले रोड जो है दिल्लीगंज से अंदर अंदर होके जनकपुरी होता हुआ फिर मैं यहाँ पर आ गया। तो जनकपुरी पे मेरे को कुछ काम भी था, तो वो काम करके फिर मैं इस तरफ आ गया था। तो यही रास्ता थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है उत्तम नगर जाने वाली साइड, क्या है कि 3-3.5 किलोमीटर पड़ता है, नहीं तो वहां से अगर जाओ जनकपुर से तो पूरा आपको दाबड़ी घूमते हुए जाना पड़ता है। बट एक ये डिफरेंस रहता है, दाबड़ी के साइड से अगर आप जाते तो वहां ट्रैफिक नहीं मिलता, उत्तम नगर में थोड़ा ट्रैफिक मिलता है, बट क्या है कि अब आदत हो चुकी है। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में मैं निकला, मॉर्निंग में तो निकला ही नहीं था, जैसा कि आप जानते हो फेस्टिवल था आज भी, भाई दूज मनाया है 90% लोगों ने आज मनाया है। तो आज सुबह मतलब सर्च भी लगा हुआ था थोड़ा बहुत, तो मैं निकला था आज 1:30 बजे करीब। तो 1:30 बजे निकलते निकलते हो गया, पहली ट्रिप मेरे पास आई आपका इधर की जनकपुरी की और मनसाराम पार्क से पिकअप था। और दोस्तों उनकी पिकअप लोकेशन में पहुंचता हूं तो देखता हूं एक बड़ा सा डॉग लेकर बंदी आती है कस्टमर राइडर और गाड़ी में बैठने की। मैंने उनको साफ बोल दिया जी ये पैट अलाउड नहीं है गाड़ी में। कह रही भैया क्या बात कर रहे हो, हम इसी से आते हैं इसी से जाते हैं। मैंने कहा आप आते जाते होंगे बट मैं अपनी गाड़ी में अलाउ नहीं करूंगा। देखिए ये आप तो बैठ जाओगे, ये जितनी गंदगी इसके बाल झड़ते हैं वो चीज डिस्टर्बेंस होती है, और अगर गलती से इसने पॉटी साफ कर दिया तो उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो कह रही नहीं ये ऐसा नहीं करेगा ये वो। मैंने कहा मैडम आप दूसरी कैब कर लो, आपको मुझे ये चीज पहले बता देना चाहिए था आपको। आप मेरा भी टाइम आपने खराब किया है, मैं अगर घर से 1 किलोमीटर दूर आया हूँ आपकी लोकेशन पे तो आपने मेरा भी टाइम खराब किया और अपना आप भी खराब किया है। तो मैंने फिर उनको बोला राइड कैंसिल करो, राइड कैंसिल नहीं कर रही। तो मैंने कहा मैं बाहर निकला, बाहर निकलते उन्होंने फिर कैंसिल कर दी थी। तो दोस्तों मतलब अब राइडर बोल रहा है कि मैं पहले आती जाती रहती हूँ, तो ये चीज आना जाना मतलब हम ही लोग इस चीज को खराब कर रहे हैं ना। डॉग को मतलब आप गाड़ी में अलाउ कर रहे हो यार, एक बार मना करोगे तो सही रहेगा ना। अब आप देखो राइडर बैठते हैं, राइडर की बैठने की जगह पर हम पैट्स को बैठा रहे हैं। छोटा मोटा डॉगी हो चलो वैसे लपेटा हो वो चलो ठीक चल जाता है एक बार में, बट बड़ा डॉगी उसको लेके हम गाड़ी में लेके जाएं तो कितना वो लगता है। और सब तो कुछ ड्राइवर भाई हैं जो ऐसी राइडर को ले लेते हैं जिसकी वजह से सभी को उस चीज का वो भुगतना पड़ता है। अब ऐसे राइडर आपको पता है उसने कैंसिल करी होगी, कैंसिल में ये रीजन तो डाला नहीं होगा कि मतलब मैं कुत्ते को लेकर जा रही थी। तो मेरे से बोलती है कि लिखा कहाँ है आप ये बताओ। मैंने कहा आप उबर की पॉलिसी पढ़ लो, कि उबर की भी पढ़ लेना साथ साथ ओला की भी पढ़ लेना अगर आप ओला भी यूज करते हो। मैंने कहा दोनों में लिखा हुआ है पैट्स नॉट अलाउड, ठीक है, बाकी हमें भी पता है हम नहीं बैठा सकते। मैंने कहा जो आपको बैठा के लाया आप उसी को कॉल कर लो, क्या पता वो आपको दोबारा ले जाए। तो मैं इतना बोल के आ गया। तो दोस्तों आप एग्री करते हो कि अगर गाड़ी में डॉगी लेके जाए कोई तो आप क्या बैठाते हो, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कुछ भाई बैठा लेते हैं जिसकी वजह से अगर राइडर बोल रहा है तो वो डेफिनेटली आया होगा। बट दोस्तों ऐसा मत करो क्योंकि आप पैसेंजर की जगह पर आप किसी जानवर को बैठा के ला रहे हो, वो तुम्हारी सीट्स गंदी कर रहे हैं। सबसे जो डिफिकल्ट होता है उसके बाल जो होते हैं कुत्तों के वो बहुत ज्यादा गंदगी करते हैं। तो मेरे ये लगा लो
एक बार मैं काफी साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो छोटा सा ही वो उसने वो रखा हुआ था, लपेट रखा था उसने, बहुत कैरिंग से, पर फिर भी इतना कैरिंग करने के बाद भी उसके मतलब बाल इतने थोड़े बहुत रह गए थे। फिर मेरे को अलग से गाड़ी को साफ करना पड़ा पूरी तरीके से, क्योंकि अब कोई बैठेगा, दूसरा राइडर बैठेगा तो आपको पता है अनहाइजीन तो नहीं होना चाहिए ये चीज। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना दोस्तों, कोई मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है, मतलब आप पहुंचते हो राइडर की लोकेशन पे और फिर बाद में पता चलता है डॉगी है, तो राइट कुछ पाई उठा भी लेते हैं, कुछ मना कर देते हैं, जैसे कि मेरी इधर। अब मुझे पता था मेरा नुकसान हुआ, तो कम से कम 1.5 के सर्ज में ट्रिप थी, मेरे को 200 रुपये आराम से मिलते उस ट्रिप में, बट मैंने मना करी। क्यों? क्योंकि बस अलाउ नहीं करना तो नहीं करना, अपना भी वो एक असूल होता है। तो बस सुबह वो राइड कैंसिल करी, उसके बाद मेरे पास सीधा आ गई मॉडल टाउन की। मॉडल टाउन मैंने ड्रॉप किया दोस्तों 1.25 घंटे में। आज मतलब भाई दूज भी था और आपको पता है स्कूल्स भी खुले हुए थे, ऑफिस भी खुले हुए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक मिला। बट जैसा क्रैश हमें भाई दूज पे देखने को मिलता है पूरे के पूरा, मतलब हाई डिमांड होती है और कैब्स नहीं मिल रही होती है और अच्छे खासे सर्ज में राइडें मिलती है, वो चीज़ नहीं मिली आज। तो जो भी था थोड़ा बहुत एक दो ट्रिप सर्ज में मिली, उसके बाद कुछ नहीं मिली। तो ऐसे ही मेरे साथ रहा, मैं जब निकला 1:30 बजे तो पहली ट्रिप मैंने उत्तम नगर की जनकपुरी वाली कैंसिल करी, दूसरी मॉडल टाउन छोड़ा। मॉडल टाउन से मेरे पास आई सफदरजंग एनक्लेव, सफदरजंग एनक्लेव से फिर मेरे पास आ गई थी GK2, GK2 से फिर आपका सीधा छतरपुर, छतरपुर से मैं गुड़गांव पहुंच गया था। तो गुड़गांव जैसे ही पहुंचा, उसके बाद गुड़गांव जाके आपको पता है मामला पूरा शांत हो जाता है, चाहे फेस्टिवल हो कुछ हो, वहाँ डिमांड रहती नहीं है क्योंकि पूरा ऑफिस एरिया है। तो ऑफिस एरिया में फिर क्या करते हैं, मैंने तुरंत लोकेशन लगाई, लोकेशन लगाते ही मेरे पास इस साइड की ट्रिप दे दी। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा उबर के एक अपडेट के बारे में, जो कि मैंने अभी नोट किया है एक्चुअली कुछ दिन से। आपको पता ही होगा उबर में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, और ये वीडियो मैंने बनाई थी, बट इसमें जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए आपको तो पता ही है, दोनों जो ओला और उबर है दोनों एक दूसरे के वो ही है, मतलब जो काम ओला करता है वही फॉलो उबर कर लेता है, जो उबर कुछ अच्छा कर लेता है वही फॉलो आपका ओला कर लेता है। तो वही चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों। हम लोग जैसे मैं उबर चलाता हूँ, उबर में आपको पता है कि अकाउंट के माइनस की इसने एक लिमिटेशन डाल दी है, 700 रुपए तक ये माइनस करता है, उसके बाद से आपको कैश ट्रिप देना बंद कर देता है। ये तो आप जानते ही हो, पहले ये मतलब 1000-1000 तक भी पहुंचा देता था, कुछ भाइयों का ये 3000-3000 भी कर रहा है और अभी भी कर रहा है। पार्शियलिटी इसकी देख लो कि ड्राइवर भाइयों के साथ पार्शियलिटी यही है, जो पुराने हमारे ड्राइवर भाई हैं जो 5-5, 6-6 साल जिनको हो चुके हैं, उनकी लिमिटेशन ये बिल्कुल कम करता जा रहा है। 600 पे लिया है, 600 पे भी कैश ट्रिप रोक देता है, कभी 650 पे रोक देता है, कभी 700 पे रोक देता है। तो अब आपने देखा ही होगा ओला में भी यही होता है, ओला में मेरा तो कम से कम ये माइनस रखता है 2700 रुपये। 2700 इसलिए रखता है क्योंकि मैंने अपने एज ए सिक्योरिटी पर्पज से 3000 रुपये मैंने इसको दे रखे हैं, ओला ने हमसे काटे हुए हैं। जो पुराने ड्राइवर होंगे उनको पता है डेली के 50-50 रुपये ये काटता था, काटने के बाद 3000 की सिक्योरिटी इसने ओला ने जमा करी थी, जिसमें ओला ने हमसे यही बोला था कि जब भी आप प्लेटफॉर्म छोड़ोगे ओला का, तब ये सिक्योरिटी के तौर पे जो इसने लिए 3000 वो आपको वापस कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता ये वापस करेंगे, किसी भाई ने अगर ओला का प्लेटफॉर्म छोड़ा हो या उसको रिटर्न आया हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों कि आपके सिक्योरिटी अमाउंट रिटर्न हुआ है कि नहीं। तो जिसकी वजह से क्या है कि ये 2700 रुपये तक माइनस करता है, 2700 रुपये में मैं भी अपना अकाउंट इसलिए माइनस रखता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पे कर रखा है और मैं ओला चलाता नहीं हूँ। अगर मैं ओला चलाऊंगा तो डेली मैं उसको क्लियर कर दूँ, क्लियर करके मैं चलाऊँ, बट ओला मैं चलाता नहीं हूँ तो उबर ही चलाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। तो मोस्टली मिनिमम बैलेंस जो 500 रुपये मांगता है वो 2700 होने के बाद 500 रुपये मांगता है, 500 उसे जमा करके 2200 फिर अकाउंट दोबारा से चालू कर देता है। तो इसमें आपने एक चीज देखी होगी दोस्तों, जो ओला करता है जैसे माइनस में अकाउंट हो गया वो अगले दिन का टाइम देता है, भाई इतने 12 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास, 12 बजे तक अगर कैश आप जमा कर दो ऑनलाइन या फिनो सेंटर से तो आपका अकाउंट चलता रहेगा, नहीं तो अदरवाइज आपको बुकिंग आना हो जाएगी ब्लॉक। तो जो ओला कर रहा है वही चीज अब उबर ने फॉलो कर ली है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज मैंने आज ही देखी है। मेरा आज बैलेंस हो गया था माइनस में, आज सारी के सारी ट्रिप में मेरे पास 4-5 ट्रिप जो भी मैंने 5-6 ट्रिप की है उसका बैलेंस आपको यहाँ देख लीजिए -635। तो दोस्तों इसमें जो टाइम शो हो रहा है आप देखिए यहाँ पर 30 अक्टूबर
30 अक्टूबर मतलब संडे तक का टाइम है आपके पास। अगर आप ये जो मतलब अमाउंट माइनस में हो रहा है, अगर आप इसको ऑनलाइन नहीं पे करते तो आप ऊबर एसएक्स खो सकते हो, मतलब कि आप लॉगिन नहीं होगे, ठीक है ना, आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये पहले नहीं आता था, अब ये आना स्टार्ट हो गया है ऊबर में भी। मतलब अभी इसने दो तीन दिन का टाइम दिया है, बट जैसे ओला अगले दिन का कर देता है, वैसे ही अगर इसने दो दिन का चालू कर दिया तो ये अगले दिन का भी ऐसे अपडेट कर ही देगा धीरे धीरे। तो अपना वही है देखो दोस्तों, अगर आपको बुकिंग्स करनी है उबर में तो आपको इसकी पेमेंट क्लियर करनी पड़ेगी। अब मेरा जो 635 रुपए का अमाउंट है वो मैं कल तक देखूंगा, कल है फ्राइडे का दिन, और कल मैं देख लूंगा क्या पता ऑनलाइन बुकिंग आ जाए मेरे पास गुड़गांव की, तो 300-400 रुपए का बिल बन ही जाता है। तो उसमें अगर माइनस में ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो ये मेरे जो बुकिंग है वो उसी टाइम कैश वाली ट्रिप देना बंद कर देगा, तो मेरे को कल ही कल में इसका अमाउंट क्लियर करना पड़ेगा। तो ये एक अपडेट देना था आपको, मतलब उबर अब सेम ओला की राह पे चलने लगा है और धीरे धीरे ये सेम जो ओला करता है माइनस होने के अगले दिन अकाउंट बंद कर देता है जब तक पेमेंट रिसीव नहीं होती, तो वही चीज़ अब ये उबर भी करने वाला है। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, मेरा काम कितना हो गया है और मैं घर के पास में ही हूँ, टाइम अब हो गए हैं 9:15 तक बज चुके हैं, और तो आज का टाइम काम कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है, पर फिर भी देखिए लेट निकलोगे तो लेट ही काम होगा, अगर आप जल्दी निकलोगे तो जल्दी काम होगा। तो जितना भी काम हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 1:30 बजे निकला था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1819 रुपए का आज का काम है मेरा, जिसमें 100 रुपए का एनसीडी टोल और हरियाणा का 100 रुपए कल मिलेगा मुझे। तो 2019 का काम है जिसमें से मेरी सीएनजी मैंने डलवाई थी, 470 रुपए की सीएनजी थी, जिसमें से मेरे पास अभी है कम से कम मेरे पास है 470 की, तो इसमें 150 रुपए तक की है, मतलब 170 की सीएनजी मेरे पास पड़ी है तकरीबन। तो 300 रुपए की मेरी सीएनजी लगी है, 300 रुपए की सीएनजी में मैंने काम कर लिया है दोस्तों 2000 रुपए का, 2000 में से टोल हटा देंगे, 1800 रुपए का काम है, 1800 में से सीएनजी का अमाउंट हटाएंगे हम 300 रुपए का, तो जो नेट इनकम आ रही है वो 1500 की निकल के आ रही है। आप ये सोचेंगे कि यार ये सीएनजी का तो पहले बोलता था कि यार इतनी इतनी सीएनजी लगती है, तो दोस्तों अभी क्या है कि आपको भी पता है मौसम चेंज हो चुका है, थोड़ी सी एक दो ट्रिप में एसी चलाना पड़ता है, बट तकरीबन ये लगा लो 60% राइड में एसी नहीं चलाना पड़ रहा, जिसकी वजह से एसी नहीं चलता तो उसकी एवरेज अच्छी खासी निकल आती है। तो अभी क्या है कि सीएनजी थोड़ी कम लग रही है, बट सीएनजी लगती उतनी है, 400-500-600 तक की भरी जाती है, ठीक है एक बार में, बट आपने एक बार डलवा ली तो वो आपकी शाम तक ही आप यूज हो रही है, क्योंकि एसी नहीं चल रहा, एसी चलता था तो दो बार होती थी। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देता हूँ। नेट इनकम मैंने बता दी आपको 1500 की आज की इनकम है, जो कि 1:30 बजे से लेके 9 बजे तक की है, और जो कि कम है थोड़ी सी, बट इसको इंक्रीज करेंगे, अपना टाइम शेड्यूल थोड़ा सा मंडे से सुधारेंगे, कल है फ्राइडे, कल कितने बजे निकलता हूँ, कल की अर्निंग कितनी होगी, ये सारे ब्लॉग में नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे मैं बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको कुछ भी कमेंट्स है, कुछ भी आपने पूछना है, गाड़ी नई लेनी है पुरानी लेनी है, अटैचमेंट कैसे होगी, गाड़ी कैसे लगाया, ऑल ओवर में काम कितना है, वैगनार में काम कितना है, एटिका में काम कितना है, तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो वाइज लिंक लगा हुआ है, आपको जो वीडियो देखनी है आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे, टिल देन बाय।